वीकेंड में ईद के इनवाइट्स आए हुए हैं और एक और इनवाइट आया हुआ है द मोस्ट वांटेड भाई राधे का तो मिल के आती हूँ ईद की बिरयानी खाने लायक थी कि नहीं घर जाके बताती हूँ

अपनी पुरानी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी बहुत सारा एक्शन होने वाला है और ये बहुत ही पकाऊ फिल्म होने वाली है जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा पकाऊ थी मतलब सलमान खान तो चलो जो कर रहे हैं कर रहे हैं वो उनका तो सेम ही रहता है नार्सिस्ट मेंटेलिटी इट्स ऑल अबाउट हिम उनको लगता है कि पूरी फिल्म उन्हीं की वजह से पुल होती है और उन्हीं की वजह से चलती है और इसीलिए वो शायद नाइन्टी अपना वो एक्शन रखते हैं ईद मुबारक बोल के मुस्लिम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया राधे राधे बोल के हिंदू ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया रिक्शा ठेली वाले वैसे ही आ जाएंगे जब भी वो बेल्ट ऊपर नीचे करेंगे तो काफ़ी स्मार्टली अपना क्राउड तो पुल कर लेते हैं लेकिन एज एन एक्टर कहाँ स्टैंड करते हैं वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द फिल्म इज ऑल अबाउट एक्शन ऑल अबाउट स्टैबिंग ब्लड एक ड्रग्स का इशू पकड़ लेते हैं कोई स्टोरी नहीं है एंड सलमान खान की एंट्री एक कांच की विंडो तोड़ते हुए जूप करके एंटर करते हैं एक भी टुकड़ा उनके अपनी बॉडी पे नहीं लगता है ऑब्वियसली सलमान खान है जब लोग मूवी बनाते हैं मतलब कभी ये सोचते हैं कि वॉट अबाउट द अदर फैमिली मेम्बर्स ठीक है रिक्शा ठेली वाली भी देख लेंगे एक्शन कुछ लोगों को पसंद आता है लेकिन एक्शन भी ऐसा ऐसा नहीं है कि मुझे एक्शन पसंद नहीं है लेकिन एक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ स्टंट्स हो नॉइज को एक्शन नहीं आप बोल सकते स्टैबिंग कर रहा है रणदीप हुडा नॉइज 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 सिंक्रनाइजेशन ही नहीं है चलिए कोई बात नहीं हो सकता है कोविड की वजह से आप लोगों का एडिटिंग या जो भी प्रोसेस है टेक्निकल फॉल्ट्स रहा हो लेकिन फिर भी मूवी का जो बेस लाइन है वो सेम ही है जो दबंग थ्री रेस इट्स एवरीथिंग इज सेम सेम स्टाइल नो स्टोरी एक्शन डांस वो क्यूटली जब वो क्यूटली कॉमेडी करते हैं तो अच्छे लगते हैं लेकिन अगर वो अपनी स्टोरी पे ध्यान दें तो मेरे ख्याल से एक बेस को पकड़ के चलना चाहिए एक स्टोरी को पकड़ के चलना चाहिए तो फिर वो एक्शन करते भी अच्छे लगेंगे लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक्शन एक्शन सलमान खान के ऑपोजिट लीड रोल में हैं दिशा पटानी टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी वही वाली आ, वैसे पहले भी वो सलमान खान के साथ आ चुकी हैं भारत फिल्म में आ, लेकिन आ, कोई अगेन उन दोनों का मैच ही नहीं लगता है सलमान खान काफ़ी एज में बड़े लगते हैं हालांकि इस फिल्म में उनका फेस वी एफ इफेक्ट्स के ज़रिए काफ़ी यंग दिखाया गया है एकदम मैंने प्यार किया वाला जो सलमान खान है वो फेस था लेकिन फिर भी शर्ट uh, जब उन्होंने उतारी बॉडी वो नहीं है बॉडी तो शायद दिशा वैसे क्यूट लगी है एक दो हॉट पैंट्स uh, उन पर काफ़ी अच्छी लगी और डांस uh, में वो है ही अच्छी लेकिन अगेन uh, कोई मैच नहीं था सलमान खान कहाँ दिशा पटानी कहाँ लेकिन कोई केमिस्ट्री नहीं भोलू भोलू करते करते आ, राधे फिल्म कंप्लीट हो गई एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि कब राधे खत्म होगी और कब मुझे घर जाने को मिलेगा जैकलिन को खाली एक आइटम सॉन्ग में आप देख सकते हैं हालांकि वो थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी अपने नॉर्मल जो गेटअप से उन्होंने कुछ डिफरेंट किया एक साउथ इंडियन अटायर में आ, नजर आई तो एटलीस्ट समथिंग इनोवेटिव आई थिंक सलमान खान शुड ऑल्सो डू समथिंग इनोवेटिव क्या वही सेम सेम बेल्ट को ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं है मतलब एक हाइट होती है एज एन एक्टर ही शुड ट्राई टू डू डिफरेंट रोल्स ही शुड ट्राई टू ग्रो सो ऑब्वियसली वेन इट कम्स टू सलमान खान मूवीज़ वहाँ पर स्टोरीज की तो कोई अहमियत नहीं होती है ना ही कोई हीरोइन की अहमियत होती है बस एक uh, um, थोड़ा सा डांस नंबर्स मिल जाए किसी हीरोइन को दे आर हैप्पी बाकी तो इट्स ऑल अबाउट सलमान खान एंड हिज बॉडी एंड हिज एक्शन हालांकि कुछ इंटरव्यूज में बोला गया था कि इसमें तीन तीन विलियंस हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनके रोल्स के साथ भी जस्टिस नहीं किया गया है और जैकी श्रॉफ उन्हें क्या जरूरत पड़ी है अपना इस तरह से इमेज खराब करने की छोटा मोटा ऐसे रोल सलमान खान के साथ अगर करना ही है थोड़ा सा तो इम्प्रेसिव रोल करें उस रोल में कुछ भी दम नहीं था कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं लगा जैकी श्रॉफ का क्या उस रोल में वो क्या फ़नी ट्राई कर रहे थे या वो थोड़ा आ, एक रौबदार पुलिस वाले एसीपी बनने की ट्राई कर रहे थे कुछ समझ नहीं आया वो कर क्या रहे थे ऑफ कोर्स प्रभुदेवा डायरेक्टर हैं तो म्यूजिक में उनके डांस के स्टेप्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे साउथ इंडियन गेटअप में जैकलिन फर्नांडिस भी अच्छी लग रही थी और सलमान खान को भी उन्होंने अपने प्रभुदेवा स्टाइल के थोड़े से स्टेप्स कराए ऑब्वियसली सलमान खान खुद नहीं थे लेकिन उनका डुप्लीकेट लेके कुछ तो इफ़ेक्ट्स डाल के किया गया था लेकिन सॉन्ग एक दो सॉन्ग्स अच्छे थे फिल्म के सीटी मार और दिल दे दिया बट बहुत ही राधे राधे टाइटल ट्रैक जब बार बार एक्शन के बीच में आ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई यूट्यूब का व्लॉग देख रही हूँ मैं मतलब जैसे होता ना खाना पक रहा है और बीच में फिर वही गाने की लाइन बचती है इट लाइक दैट like राधे 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 डाउन सॉन्ग सिटी मार वॉज इम्प्रेसिव थोड़ा पैपी था हाँ अच्छा अगर कुछ लगा तो रणदीप हुडा उनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था मतलब इतना अच्छा कि सलमान खान से ज़्यादा मुझे रणदीप हुडा को देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन रणदीप हुडा ने नेगेटिव रोल किया इसमें वहां पे वो नेगेटिव कम और थोड़े अच्छे ज्यादा लग रहे थे Uh, जो उनका डार्क शेड है वो शायद ओवरपावर कर गया उनकी प्रीवियस इमेज जो एक सेंशल uh, इमेज जो है पुरानी मूवी से तो uh, वो शायद नेगेटिव रोल में उतने जमे नहीं मुझे लग रहा था मैं स्वॉप कर दूँ सलमान खान को नेगेटिव रोल में डाल दूँ और रणदीप हुडा को हीरो बना दूँ जब भी हम मूवीज़ देखते हैं तो हमें एक मैसेज मिलता है एक इंस्पिरेशन मिलती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद वॉज लाइक वॉट्स अ मैसेज मैं देख क्यों रही हूं मैं इतनी सह क्यों रही हूँ सलमान खान को कुछ थोड़े से थोड़े से मिच्योर रोल कर लेने चाहिए हो गया बहुत हो गया पता है बॉडी है पता है तो चलो आपका मन करे तो देखा ना थिएटर में नहीं मन करे तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप ओ पे ही देख लें क्या जरूरत है जाने की अगर एक्शन पसंद है तब भी आप ओ पे ही देख लें बड़े स्क्रीन पे इतनी मार धाड़ देख के क्या करेंगे नॉइस के लिए जाना है तो बेशक थिएटर पे जाएं राधे 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 क्यों देखी मैंने ये फिल्म वेयर वॉज द स्टोरी आउट माई लाइफ इन ऑकलैंड इन माई वीकेंड वीडियो लो द रेड बटन सब्सक्राइब एंड यू गो इन टू माई एम एम ट्राइब कम आउट ऑफ द शेल रिंग bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं